आज नौ है तो बस फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं। केक तो कट हो नहीं सकता, तो मेरी ये बर्थडे की दावत है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग जबरदस्त होने वाला है, जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रैवल पे निकले हुए हैं और कहाँ तक पहुँचे ये सारे आप लोगों को इस ब्लॉग में पता लगेगा, और हमने कहाँ स्टे किया ये सारा आज के ब्लॉग में आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते, ब्लॉग शुरू करते हैं। भाई साहब लाइटें जल चुकी हैं, अंधेरा हो चुका है, मगरिब की अजान हो चुकी है, तकरीबन 7:30 बज चुके हैं। आज आपको पता है डेट क्या है? हाँ? क्या डेट है? आज 9 है। आज क्या है? नहीं मुझे इतना तो नहीं आईडिया। यार मुझे तो याद, अब देख लो मुझे याद आ गया ना, आपको पता लगा है? अगस्त है, डेट क्या है? और बर्थडे है आपकी। चलो आगे जाके करते हैं, अभी तो हम खुद फंसे खड़े हैं ना। गिफ्ट में क्या दोगे? कुछ ना कुछ है, क्या देगा? पापा से गाड़ी लेने की? यार यहाँ इतनी गाड़ी खड़ी है ना, फिर हमारी गाड़ी खराब हुई खड़ी है, इन गाड़ियों को देख के ना हम लूसियां ले रहे हैं। इनको कहा ये गाड़ियां बेच दो, वो ले लो, वहाँ जाके रजिस्टर्ड करवा लेंगे, ये मानते ही नहीं है। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी यहाँ पे हैं। अच्छा खैर जी, यहाँ पे चलते हैं, अभी मिस्त्री से पूछते हैं भाई सब कितना टाइम लगता है। और लो जी भाई साहब। हाँ जी मिस्त्री साहब, कितना टाइम लगेगा? इंशाल्लाह 40 मिनट मजीद, मजीद 40 मिनट कह रहे हैं। इन्होंने अच्छी तरह साफ सुफ किया भाई साहब, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अच्छा सवात वालों, ये देख लो भाई साहब से हम काम करवा रहे हैं, ये आपके इलाके का बंदा है। ये जगह का नाम क्या है? ये पुल चौक। अच्छा पुल चौक, अच्छा ये वो ना मुझे पुल सौकन का नाम, मैं पता नहीं पुल सौकन कौन सी है। पुल चौक है जनाब जी, और यहाँ पे ये कर रहे हैं जी, उम्मीद है कह रहे हैं कि बस ज़बरदस्त अच्छा सा काम करूँगा मैं आपका ना। तो इनको भी अपने चैनल भी इन्होंने हमारा सब्सक्राइब करना है, वो भी इनसे करवाते हैं। मच्छर हैं यहाँ पे, मुझे बड़े खाते हैं मच्छर। माल इसकी आँख को मसला बन गया, यहाँ तो ऐसे वक्त मसैल के अंबार बने खड़े हैं। मच्छर बड़ा ही यहाँ पे यार, ठीक ठाक मच्छर माल यार। हम यहाँ पे मिस्त्रियों की वर्कशॉप पे खड़े हैं। ये लंबा काम होता है, थोड़ा सा लंबा होता है। 8:33 हो चुके हैं और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अभी तो ऐसी बस ज़बरदस्त काम कर रहा है भाई, से बिल बनवाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। सुबह हमने नाश्ता किया था, नाश्ते के बाद भाई सुबह हमने कोई खाना छाना नहीं खाया था, तो अभी हमने खाना भी खाना है और भूख बड़ी लगी खड़ी है बस। इस दफ़ा ना थोड़ा सा मसला बना जा रहा है। क्या कहता है? शहरी आम खा रहा है, दूध पी रहा है, सेब खा रहा है और अंगूर खा रहा है, और ये यहाँ पे ये रोल रहा है ना हमारे साथ। हमें तो कुर्सी पे सड़ा पड़ा है इधर, वो बेड पे सोया पड़े एसी चला के। हाँ। तो बड़ा कहता हूँ मुझे ना कहो ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया। कुदरती हमारे साहब ना मैकेनिक साहब भी है यहाँ पे, और इनकी दुकान, आपका नाम क्या है? सतार भाई है। तो इनको ना सिलेंसर हमारा ना वाइब्रेट करता है, हल्की सी वाइब्रेशन की आवाज आती है, मुझे शक पड़ता है वो अंदर नहीं मार्शल सी होती। हाँ वो ठीक करेगा। हाँ वो वाला ना मुझे लगता है ढीला है, मैं वो ले आता हूँ गाड़ी और वो भी चेक करवा लेते। जरा करना जल्दी जल्दी, हमें भूख, हम सुबह नाश्ता किया था। हैं चलो, मरीज आईसीयू से निकल के ना अब रूम में शिफ्ट हो गया, वहाँ चला गया, अब पता नहीं वहाँ उसका फाइनल चेकअप होना है और उसके बाद इसको फिर परमिशन मिल जाएगी घर जाने की। तब ये काम भी हमारा ओके हो चुका है भाई साहब ने कर दिया और चुटकी मार के किया, तो ठीक है भाई साहब बड़ी मेहरबानी आपने हमारे साथ तावन किया, आपने तो भाई साहब बहुत तावन किया हमारे साथ, बड़ी मेहरबानी शुक्रिया जी, सो नाइस। मरीज को छुट्टी मिल गई है, घर जा रहा है। सर में दर्द हो गया और क्या, ऐसे ही होता है जब मरीजों के साथ रहते हैं ना, वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं। लेकिन नहीं माशाल्लाह से हमारा काम हो गया और आप लोगों की दुआओं से ना सफर अच्छा गुजर रहा है और बहुत ही अच्छा मौसम यहाँ तक तो अभी फिलहाल गर्म है कि भाई थोड़ा थोड़ा फील होता है कि पसीना आ रहा है, आगे जाके और ठंडा हो जाएगा। बाकी जो मंजिल है वो भी करीब ही है, वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। हम मैकेनिक की दुकान से निकले थे तो यहाँ एक सामने होटल आया, हम वहाँ रुके हैं और सोचा है कि खाना खा लें। पहले इधर देखें, हालत तो कोई नहीं बैठने की। क्या हालत? घी ग्रीसी, हर तरफ ग्रीस लगी हुई है।
भाई सब गाड़ी यहाँ पे लगाई है। ये एक होटल मिले को दरगई होटल नहीं मतलब ये रेस्टोरेंट है, हम वैसे इनको होटल कहते हैं, अगर हम होटल कहें तो आप होटल खाने वाला कहना, यहाँ बैठ के खाना खाना है। अभी ऑर्डर देते हैं। ये है फाटक टिक्का सेंटर। अभी हमने उस होटल पर खाना नहीं खाया था हमने, हम यहाँ आ गए हैं और यहाँ सुरेश कहता है शादी हो रही है, मैंने कहा चल मुफ्त में खा लेंगे, अब आए जो हैं तो बिन बुलाए मेहमान बन जाएंगे, तो ये परेशान है और हम लोग बड़े पक्के हैं, चले चलते हैं। यहाँ पे है ये वाला रिवर स्वाद स्वाद, हाँ टू रेस्टोरेंट, रिवर स्वाद टू रेस्टोरेंट, हाँ चलें। खुशबू तो आ रही है मज़े की। ये मेरे बर्थडे का सरप्राइज है। ओह माय गॉड, वो देखो हार्ट। अच्छा जी हम इधर जा रहे हैं, अभी हम आगे आगे जा रहे हैं, यहाँ हमें फैमिली साइड मिली है और यहाँ आते हैं। वहाँ लाइट है ना, लाइट पे बैठ जाते हैं। चले जी लग तो अच्छा रहा है, अब जल्दी जल्दी ये हमें ना सर्व भी कर दें। ये देखिए बहुत बड़ा है ना, बड़ा। हमने ना ऑर्डर कर दिया और बड़ी मुश्किल से किया, सोच सोच के थोड़ा 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 सारी चीजें सब ले रहे थे। हाँ जो भाई तैयार है इनका, तो माशाल्लाह से बड़ा सारा होटल है, खुशबुएं भी आ रही हैं और मेरे ख्याल में कोई फंक्शन भी चल रहा है, मुझे ऐसे शक पड़ता है। हाँ सिक्योरिटी वगैरह भी खड़ी है, तो वो तो है, चले ठीक है, अच्छा मिल गया है। हमने वहाँ इसीलिए नहीं खाया कि हम उस होटल वाले से जो पूछते थे ना वो कहता था ख़त्म है, हमने कहा फिर जब ख़त्म है तो चलते हैं आगे, फिर आगे चलते रहे आधे घंटे के सफ़र के बाद ना ये नज़र आया यहीं आ गए। खाना रेडी हो गया है और आ गया है, सबसे पहले है हमारे नान। मैं बड़ा लाइट से मंगवाया इसलिए कि भाई सब हम सफ़र पे थे और भूख लगी हुई थी, हमने कहा भी खाया ना तो गैस बन जाएगी, काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, अभी हमारी सब्जी रहती है। यस चिकन सब्जी हमने मंगाई, गोश्त नहीं खाया। ये वाला हमने वो किसको कहते हैं क्या, काबली पुलाव, काबली पुलाव है। और ये है ताजा ताजा है, ये गर्म गर्म खा ही देते हैं। ये मेरी बर्थडे की दावत हो रही है, केक तो कट हो नहीं सकता तो मेरी ये बर्थडे की दावत है। बर्थडे की दावत, मेरी बर्थडे का गिफ्ट रहता है वो मैं ले लूंगी। आपको मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसे वैसे नहीं मैं माफ करने वाली। लो बस पहले टेस्ट करते हैं फिर मैं बताता हूँ आपको ना, ये तो मैं दिखाऊंगी। हाँ जी मजे का है ना, मुझे लग रहा है ऐसे ना खुशबू से खाना अच्छा है, या भूख बहुत लगी हुई है जो भी है ना, मजे का है, टेस्ट अच्छा है। वाकई खाना यार अच्छा है, ये भी बहुत अच्छी है। ये सवात जाते हुए रास्ता है और हाँ। जगह का जगह होटल का नाम है सवात रिवर, रिवर टू, रिवर टू। ये बड़ा गोश्त है और फ्रेश है, फ्रेश है और गला भी बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा गला है। ये कहाँ गई वो निकली, इतनी बड़ी हड्डी निकली और उसके ऊपर से गोश्त, टेस्ट कैसा है, हाँ मज़े का। वैसे अभी इस होटल पे, इस रेस्टोरेंट पे अगर आप आते हैं साइड सवात वाली साइड पे तो ज़रूर खाना खाइएगा, अच्छा लगा इसलिए हम बता रहे हैं। हाँ इसका रायते का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। वैसे फैन खाना में बस रजिए खा लिया, थोड़ी सी वाइफ शाक भी कर ली है और अभी हमारी आ गई चाय, तो चाय रख देंगे यहाँ पे जी। शुक्रिया, ये देखेंगे चीनी भी है और बारिश आ रही है यहाँ पे, बारिश का फुल माहौल बना खड़ा, ये देखें। और हमने अभी निकलना भी, अभी हमारा सफ़र और भी रहता है और टाइम बच गया 10:36 खाना खा लिया है, चाय भी हमने पी ली है और अभी हम निकल पड़े हैं दोबारा से, अब होटल ढूंढते हैं और स्टे करते हैं, रेस्ट करते हैं, बड़ा थक गए हैं आज। असल में ना गाड़ी की वजह से काम ज्यादा हो गया था, नहीं तो हमने ना शाम 6-7 बजे तक हमने बहरीन पहुंच जाना था, तो अभी तो हम सवात में ही रुकेंगे और उसके बाद कल का देखेंगे क्या प्रोग्राम बनता है। रोड माशाल्लाह से जबरदस्त है, बड़ा अच्छा रोड है। खाना खा के निकले हैं और इस रोड पे ना कोई भी नहीं है, सिर्फ हम अकेले सफर कर रहे हैं। नहीं नहीं एक है लेकिन इस पे ना मोड़ ऐसे है ना, अंधेरे में पता नहीं लगता कि आगे सड़क है भी कि नहीं। अच्छा
अच्छा बिल्ली फिरती है, हम भी सफर कर लेंगे। बिल्ली भी तो फिरती है। 11:27 बस, 11:30 बज चुके हैं रात के, और अब हम होटल पे पहुंच गए हैं। एक ये हमें होटल मिला है, ये भाई साहब हमें होटल मिला है। एक गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है। हाय हाय, मच्छर है के पता नहीं क्या है यहाँ पे। हाँ तो भाई साहब फाइनली हम अपने रूम में आ चुके हैं और थके हुए बहुत हैं, अभी हैं सोते हाँ, तो सुबह इंशाल्लाह जो बात है ना वही होगी। एसी हमने भाई साहब एसी वाला रूम ही लिया। हाँ ये सवात है, सवात से थोड़ा सा आगे है फिजागट, फिजागट ये इस इलाके का नाम है फिजागट। तो यहाँ पे अब अभी हम रोक चुके हैं और अभी सोते हैं, बहुत थक चुके हैं, तकरीबन 12 बज रहे हैं। तो इंशाल्लाह सुबह मुलाकात होगी, अभी रेस्ट करते हैं। ओके अल्लाह।